की बात सुनी है और ना कोई शादी की बात सुनी है। बहरहाल चूंकि ये फेसबुक की दोस्ती है और फेसबुक पर ये पाकिस्तान आई है, सरदस्त इतना नहीं है, मज़ीद नसरुल्ला और उसकी फैमिली आगे जाकर ये फैसला करेंगे कि ये मंगनी करती हैं या शादी करती हैं, ये उनका अपना घरेलू मामला है। जो अंजू नामी लड़की खातून जो है यहाँ पर आई है, वो कल हमने उसको रस्मी इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया था और उस इंटरव्यू के दरमियान हमने उनसे उनके कागजात उनके चेक किए। कागजात उनके पास बिल्कुल रेलेवेंट है, उसके पास वैलिड पासपोर्ट है, वैलिड एक महीने के लिए उसके पास वीज़ा है और अपर दीर में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अपर दीर में रिहाइश के लिए उसके पास एक महीने की NOC है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसके पास जो है वो हमने चेक किए, डॉक्यूमेंट्स उसके बिल्कुल सही है और उस रस्मी इंटरव्यू के बाद चूँकि वो खातून है उसकी प्राइवेसी का हमने ख्याल रखा और उसकी सिक्योरिटी के लिए हमने उसकी सिक्योरिटी पर पुलिस कांस्टेबल मामूर किए हैं जो उसकी सिक्योरिटी का बाकायदा ख्याल रखेंगे। तो लसनुल्ला का इसके साथ फेसबुक पे पहले फ्रेंडशिप बनी है, वो फ्रेंडशिप आगे जाकर फिर दोस्ती में तब्दील हुई और दोस्ती चलते चलते फिर प्यार में तब्दील हुई है और इसने बाकायदा 2022 में उसके वीज़ा के लिए पाकिस्तानी एम्बेसी इन इंडिया को रिक्वेस्ट भेजी है कि इसको वीज़ा जारी किया जाए और उसी नसरुल्ला की उसी रिक्वेस्ट पे वहाँ पर पाकिस्तान की एम्बेसी ने इसको एक महीने के लिए 30 दिन के लिए वीज़ा जारी किया है और उस वीज़ा पर वो बाकायदा वाघा बॉर्डर पर इमिग्रेशन करते हुए यहाँ पर आई है और लाहौर तक उसको फिर जब बाद में जब बस में आई है तो पिंडी में बाकायदा उसको नसरुल्ला ने रिसीव किया और पिंडी से फिर ये दोनों इकट्ठे इधर आए हैं और हमने जो रस्मी इंटरव्यू होता है उसके करने के बाद उसको नसरुल्ला के पास साथ जाने दिया है और बाकायदा भी उसके साथ है और सिक्योरिटी बाकायदा उस पर लगी हुई है। नसरुल्ला को हमने इस बात का पाबंद बना दिया है कि 21 तारीख से पहले पहले 21 अगस्त से पहले पहले बाकायदा ये यहाँ से रुख्सत होगी और जब इसका टाइम आएगा रुख्सती का तो बाकायदा SHO पुलिस स्टेशन दीर को वो मतला करेगा और यहाँ से इंशाल्लाह फिर प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी के साथ साथ यहाँ से रुख्सत होगी इंशाल्लाह। वो चूँकि आपको पता है ये हमारा जो एरिया है दीर या खैबर पख्तूनख्वा ये या पूरा पाकिस्तान हमारा जो है ये हॉस्पिटलिटी वाला मुल्क है, हॉस्पिटलिटी वाला एरिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन में मिसाली अमन है।